कन्नगेचे सुरेंद्रेचे कौशिके पाद संस्पृशी निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। साध्वी प्रमुखा जी, श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री, साधु साध्वी वृंद, समण श्रेणी, बंधुओं बहनों, संबोधि के 12वें अध्याय में उल्लिखित है, अहिंसार्थम मया प्रोक्तम आत्मसाम्यम चिराध्वनि तदर्थम प्राप्त दुखानि सोढव्यानि मुमुक्षुभिः। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद मुख्यतया चलता है और उस संवाद के माध्यम से सुंदर पथ दर्शन प्रदान किया गया है। गीता में 18 अध्याय हैं संस्कृत भाषा का, भारतीय वाङ्मय का सुंदर ग्रंथ है। गीता की ही तर्ज पर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संबोधि ग्रंथ का निर्माण किया है, वह भी संस्कृत में है। उसमें 16 अध्याय हैं और श्री कृष्ण की जगह भगवान महावीर और अर्जुन की जगह मुनि मेघ, उनका संवाद संबोधि में चलता है और संवाद के माध्यम से जैन आगमों की अनेक अनेक बातें संबोधि में गुम्फित कर दी गई हैं। प्रस्तुत श्लोक में भगवान महावीर संवाद में कहते हैं कि अहिंसा के लिए मैंने आत्मतुला की बात कही है, आय तुले पयासु, प्राणियों को अपने समान समझो, जैसे मेरे भीतर चेतना है दूसरे प्राणियों के भीतर भी चेतना है, जैसे मुझे दुख अप्रिय है दूसरे प्राणियों को भी दुख अप्रिय है, मुझे सुख प्रिय है तो दूसरों को भी सुख प्रिय है, तब हम सबकी समान अनुभूति है तो हम किसी के सुख में बाधक क्यों बने, किसी को दुखित बनाने का प्रयास क्यों करें। अहिंसा का एक आधारभूत दार्शनिक तत्व बनता है यह आत्मतुला का सिद्धांत। श्लोक में आगे कहा गया कि जो साधक लोग हैं, मुमुक्षु हैं, साधु साध्वियां हैं, उनमें कष्ट सहिष्णुता होनी चाहिए। अहिंसा को पुष्ट रखने के लिए कष्ट सहिष्णुता की भी आवश्यकता रहती है। जो आदमी किंचित भी कष्ट नहीं सहन कर सकता वह हिंसा में जल्दी प्रवृत्त हो सकता है।
और जो कष्टों को झेल लेता है साधना की दृष्टि से, वह अपनी अहिंसा और अनुकंपा की चेतना को भी मजबूत बनाए रख सकता है। मौसम जन्य कठिनाइयां आ सकती हैं, सर्दी गर्मी, कहीं मच्छरों का प्रकोप, ये कठिनाइयां और कभी कभी भूख प्यास आदि की कठिनाइयां भी आ सकती हैं। साधु में आत्मबल होना चाहिए कि वह इन कठिनाइयों को समता भाव से झेल सके। देहे दुखम महाफलम, शरीर में जो कष्ट पैदा हो जाता है उसको सहन करना महान फल देने वाला होता है, महान कर्म निर्जरा का लाभ देने वाला होता है। अब कष्ट तो किसी के जीवन में आ सकते हैं, महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट आए हैं। भगवान राम को देख ले, कष्ट उनके जीवन में भी आए। भगवान महावीर को देख लें, कितने उपसर्ग उपद्रव उनके सामने आए। महामना आचार्य भिक्षु के जीवन को पढ़ें, कितना कष्टपूर्ण उनका जीवन था। और ज्यादा दूर न जाएं तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के जीवन को देख लें, कितने कष्ट उनके जीवन में आए थे। संघर्ष यदा कदा आ ही जाते, परंतु कष्टों को जो साहस के साथ सहन कर लेता है और कष्टों से घबरा करके कार्य को छोड़ता नहीं है, वह व्यक्ति उत्तम होता है। नीति शास्त्र में, नीति शतक में तीन प्रकार के मनुष्य बताए गए, निम्न श्रेणी का मनुष्य, मध्यम श्रेणी का मनुष्य और उत्तम श्रेणी का मनुष्य। वहां कहा गया, प्रारब्ध के नखलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारब्ध विघ्न विहताः विरमन्ति मध्यः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति। निम्न श्रेणी का आदमी होता है, वह कष्टों के भय से, विघ्नों के भय से किसी अच्छे कार्य का शुभारंभ ही नहीं करता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कार्य का प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु कष्ट जीवन में आते हैं तब कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। वे मध्यम श्रेणी के मनुष्य हैं। उत्तम श्रेणी के मनुष्य वे हैं जो कार्य का प्रारंभ भी करते हैं और कष्टों विघ्नों के आने पर घबराते नहीं, उनको भी पार करते हैं, विघ्नों का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं और अपने कार्य को निष्ठा तक पहुंचा देते हैं। कार्य के प्रति समर्पण का भाव हो और कष्टों को झेलने का मादा हो और कष्टों में से भी रास्ता निकालने की क्षमता हो, तो कोई कार्य निष्ठा तक पहुंच सकता है। संस्कृत का सूक्त है, श्रेयांसि बहु विघ्नानि, कल्याण में विघ्न बाधाएं भी बहुत आती हैं,
परंतु आदमी में मनोबल और आत्मबल चाहिए कि वह कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता रहे। ज्ञान के क्षेत्र में भी विघ्न आ सकते हैं, परंतु वहां भी विघ्नों को पार करने की अपेक्षा होती है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, स्वल्पस्त कालो दहवस्त विघ्नः, यत् सार भूतम तदुपासनीयम्, हंसो यथा क्षीर मिवांबु मध्यात्। यह ज्ञान तो अनंत है, केवल ज्ञानी को अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, बाकी तो सभी मनुष्य सभी प्राणी स्वल्प ज्ञान वाले होते हैं। शास्त्र भी बहुत हैं, मानो पार नहीं, और हमारा जीवन काल सीमित है और उसमें भी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, तो फिर हम क्या करें। कवि ने कहा ज्ञान तो बहुत है, यत् सार भूतम तदुपास नियम, जो सारभूत ज्ञान की बातें हैं उनकी उपासना करो, उनको ग्रहण करो। जैसे हंस पानी को छोड़कर दुग्ध को ग्रहण कर लेता है, इसी तरह अपने जीवन में सारभूत ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय इतिहास के जैन स्रोत ग्रंथ देखने को मिला, भारतीय इतिहास संकलन समिति चित्तौड़ प्रांत उदयपुर की ओर से। अब एक ग्रंथ के निर्माण में भी कितनों का श्रम लगता होगा, तब कोई अच्छा ग्रंथ अच्छे रूप में सामने आ सकता है। कितने विद्वान लगे होंगे इस ग्रंथ के पीछे, कितनों ने और श्रम किया होगा, और एक ग्रंथ हाथ में आ गया, भारतीय इतिहास के जैन स्रोत। और ग्रंथ के ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ना मूलम लिखते किंचित। लेखन के क्षेत्र में एक बड़ा ही प्रेरणादायी सूत्र है, ना मूलम लिखते किंचित। अमौलिक बात नहीं लिखनी चाहिए, आदमी कुछ लेखन करे तो मौलिक बात होनी चाहिए। हमारे साधु साध्वियां और समन श्रेणी भी साहित्य का लेखन करते हैं, और लेखन तो एक विद्या आराधना की बात है। लेखन में भी हम कितने गहराई में जा सके, यह खास बात है। पुस्तक लिख देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक संख्या और बढ़ जाएगी पुस्तक की कि मैं इतने पुस्तकों का लेखक हूं। हमें ध्यान तो यह देना चाहिए कि ग्रंथ भले संख्या में हमारे थोड़े ही हों, तो ग्रंथ ऐसे हों जो हाथ में आते ही, आंखों के सामने आते ही एक विद्वान आदमी को या पाठक व्यक्ति को तृप्ति देने वाला हो। ऐसा ग्रंथ हो तो उसका महत्व है, बाकी तो संख्या पूर्ति हो सकती है, और या मन की संतुष्टि हो सकती है कि मैंने इतने पुस्तक ग्रंथ लिख दिए हैं।